हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के पहले आपको इसके पहले का पार्ट थ्री देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको पार्ट फोर समझेगा। इसमें देखो यहाँ पे भी 25 है यूनिट प्लेस में, तो 25 मतलब मैं क्या करूँगा यहाँ पे 0625। उसके बाद इस पूरे को मैं क्या समझ लेता हूँ 10 प्लेस, तो 12 का क्या करूँगा मैं हाफ। 12 का हाफ कितना आ जाएगा, जैसे कि यहाँ लिखूँगा हाफ ऑफ 12, ठीक है। इसको यहाँ से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखूँगा 6 प्लस, और फिर बाद में कौन सी स्टेप है ये 12 का होल स्क्वायर। 12 का होल स्क्वायर कितना आएगा 144, कितना हो गया टोटल 150। तो आंसर क्या आएगा 150625। आ रहा समझ में, ठीक है। अब ये वाला और ये थोड़ा सा अलग है, इस पर ध्यान देना कि इसमें क्या चीज़ अलग है। यहाँ पे जैसे यही वाली ट्रिक अप्लाई करना है, जैसे 25 लिखा है तो मैं क्या लिखूँगा 0625, ठीक है। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा ये 3 का हाफ मतलब हाफ इंटू थ्री, फिर इसमें आएगा प्लस और 3 का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2, या फिर इसको आपको अगर समझना होगा तो आप इसको डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि 3 का हाफ यानी कितना होता है 1.5 मतलब 1.5, ठीक है दोस्तों। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1.5, क्योंकि 3 का हाफ कितना होगा 1.5, 1.5 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1.5, ठीक है 0625। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या होगा कि ये 9 + 1 ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा हाफ और 0625। जब ऐसी सिचुएशन अगर आती है कि यहाँ पे हाफ बच रहा है, तो ये दोनों को मिला के आपको यहाँ पे क्या लिखना है 5 लिखना है। ये दोनों को मिला के इनके जगह पे आपको क्या लिखना है 5। यहाँ पे क्या आएगा 10, इन दोनों को मिला के यहाँ 5 और ये आ जाएगा 625। ये हो गया आपका आंसर। और ये कब करना है ऐसा, जब ये 10 प्लस नंबर है उसको जब हाफ से डिवीजन नहीं जाएगा, और इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, ऐसा लिखने के बाद जब इनका एडिशन होने के बाद में भी ये हाफ अगर बच जाता है यहाँ पे, तो ये हाफ और ये 0 रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह पे यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा। समझ गया। एक उसके लिए और एक एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि देखना, अभी ध्यान देना इधर, यहाँ पे ले लेता जैसे 7 को नहीं जाता 2 से, ठीक है 2 5, 7 2 5 का होल स्क्वायर क्या करूँगा, पहले लिखूँगा 0625, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगी मेरी 7 हाफ ऑफ 7 का हाफ, और उसके बाद प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो आप समझेंगे यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49 प्लस, अब आपको यहाँ पे पता है 7 का हाफ करूँगा तो क्या आएगा 3.5 मैंने मतलब इसको ऐसा लिखूँगा मैं 3.5 और 0625। तो क्या होगा, ये 49 और ये प्लस 3 ये कितना हो जाएगा 52, 49 प्लस 3 यानी 52, 52.5 और ये हो जाएगा 0625। अभी आपको मैंने बताया कि ये हाफ और ये 0, इसके जगह पे रिप्लेस करके क्या लिखना है अपने को 5, तो आंसर क्या आएगा 525625। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको दोनों तरीके के नंबर को याद रखना, और ये ट्रिक कब काम करती है, जब यूनिट प्लेस में क्या, जब किसी भी नंबर का एंडिंग किससे रहेगा 25 से रहेगा, तब ये वाली टेक्निक काम करती है, ठीक है दोस्तों। अब आप इसमें कुछ एग्जांपल अपने मन से लेकर इसको प्रैक्टिस करके देख सकते हो, ठीक है।